नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही रोमांचक और अद्भुत खगोलीय घटना के बारे में जानने जा रहे हैं, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और विस्फोटक घटनाओं में से एक है। जब कोई तारा अपने जीवन के अंत में पहुंचता है तो वह एक विशाल विस्फोट के साथ फटता है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। यह घटना इतनी तेज होती है कि वह कुछ दिनों के लिए पूरी आकाशगंगा से भी अधिक चमकदार दिखाई दे सकता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सुपरनोवा कैसे होता है, इसके प्रकार और इसका हमारे ब्रह्मांड पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए सुपरनोवा की इस रहस्यमय दुनिया के बारे में। सुपरनोवा ब्रह्मांड में होने वाले सबसे खतरनाक दुर्घटनाओं में से एक है, जिसमें कोई बहुत पुराना तारा अपने अंतिम क्षणों में होता है और विस्फोट के बाद नष्ट होने ही वाला होता है। यह विस्फोट बहुत शक्तिशाली होता है। इस प्रतिक्रिया के बाद या तो कोई नया तारा बनना शुरू होता है या पुराने तारे में विस्फोट होने के बाद वह व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाता है। जब सुपरनोवा प्रतिक्रिया हो रही होती है तो बहुत ज्यादा रोशनी प्रसारित होती है, जो इतनी चमकीली रहती है कि वो पूरे ब्रह्मांड के रोशनी को पीछे छोड़ सकती है। इससे इतनी ऊर्जा निकलती है जितनी कि सूर्य अपने पूरे जीवन में भी प्रकाशित नहीं कर सकता। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि सुपरनोवा प्रतिक्रिया के दौरान जब विस्फोट होता है तो यह अंतरिक्ष की सबसे खतरनाक घटना होती है। इससे पहले टेलीस्कोप की खोज होती कई सभ्यताओं में सुपरनोवा प्रतिक्रिया होने की बात दर्ज है। RCW-86 नामक पहले सुपरनोवा की खोज साल 185 AD में चीनी खगोल वैज्ञानिकों ने की थी। उनके रिकॉर्ड के अनुसार यह एक गेस्ट स्टार था जो रात्रि आसमान में 8 महीनों तक दिखा। 17वीं शताब्दी से पहले तक सिर्फ 8 सुपरनोवा की खोज हुई थी, जबकि उस समय तक टेलीस्कोप का आविष्कार हो चुका था। अब तक के खोजे गए सुपरनोवा में सबसे प्रसिद्ध जो हुआ उसका नाम क्रैब नेब्यूला है। चाइना और जापान के खगोल वैज्ञानिकों ने साल 1054 में तारों के विस्फोट की इस प्रक्रिया का अध्ययन किया। नॉर्थ अमेरिका के वैज्ञानिकों के द्वारा भी इन पर शोध किए जाने का रिकॉर्ड मिलता है। जिस सुपरनोवा के कारण क्रैब नेब्यूला बना था वह इतना चमकदार था कि वैज्ञानिक उसे दिन में भी देख पाते थे। साल 1930 में वॉल्टर बेड के नेतृत्व में SN1885A, जिसे एस एंड्रोमेडे भी कहा जाता है, पर शोध कर रहे थे जो किसी दूसरी गैलेक्सी में विराजमान है। उन्होंने यह व्याख्या दिया कि सुपरनोवा प्रक्रिया तब होती है जब साधारण स्टार न्यूट्रॉन स्टार में बदलने वाला होता है। इन्हीं लोगों ने पहली बार इस प्रतिक्रिया के लिए सुपरनोवा शब्द का उपयोग किया। ऐसा माना जाता है कि हमारे मिल्की वे में हर 100 साल में एक तारा सुपरनोवा प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है। कोई तारा कैसे नष्ट होगा यह बात उसके भार पर निर्भर करता है। सूर्य का भार अभी इतना नहीं है कि उसके अंदर यह प्रक्रिया हो सके। यह प्रतिक्रिया दो प्रकार से होती है, सुपरनोवा टाइप 1, जिसमें कोई न्यूक्लियर प्रतिक्रिया शुरू हो उससे पहले तारा अपने अंदर के पदार्थों का संचय शुरू कर देता है। यहाँ रोशनी वाले भाग में हाइड्रोजन की कमी रहती है। इस प्रकार के सुपरनोवा व्हाइट ड्वार्फ स्टार से बनते हैं। इस प्रकार के मदद से वैज्ञानिक तारों के बीच की दूरी का अनुमान लगाते हैं, क्योंकि इन तारों की चमक बहुत अधिक होती है। दूसरा है सुपरनोवा टाइप 2। इस सुपरनोवा में जब तारे का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है तो अपनी ग्रेविटी के दबाव में आकर वह ढह जाता है। इस प्रकार के प्रतिक्रिया के होने के लिए किसी तारे का भार सूर्य से 8 से 10 गुना ज्यादा होना चाहिए। किसी तारे के कोर भाग में हाइड्रोजन और हीलियम गैस खत्म हो रहा होता है, तब इसकी शुरुआत होती है। उम्मीद है कि आपको सुपरनोवा के बारे में यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अगली बार फिर मिलते हैं एक और रोमांचक ब्रह्मांडीय रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।